गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एसेट सिक्योरिटाइजेशन। यस, सो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमारा जो बिजनेस फाइनेंस हमने उठाया था एक सब्जेक्ट यूजीसी नेट, जो हमारा एनटीए जो एक पेपर लेता है कॉमर्स के अंदर, वो फोर्थ यूनिट थी, जो वो बिल्कुल हमारी खत्म होने जा रही है, राइट। सो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ कि आपके 20 मार्क्स जो मैंने कहा था कि आपकी गारंटी है, सो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जितने भी मैंने वीडियो डाली हैं वो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहां से सारे लेक्चर आराम से देख लीजिए, राइट। तो वहां से कम 9 क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके हैं, दैट मीन्स कि आपके 18 मार्क्स तो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप वो सारी वीडियो देख लेते हो तो आपके 18 मार्क्स तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब रहता है एक क्वेश्चन, उस एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग जहाँ से एसेट सिक्योरिटाइजेशन से भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, या फिर जो हमारे एक या दो टॉपिक और रहते हैं, क्योंकि जो हमारे लास्ट टॉपिक था वो मैंने पहले करा दिया था, आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर, राइट। तो एसेट सिक्योरिटाइजेशन और एक दो थ्योरी वाला टॉपिक रहता है कि जहाँ पर हमारे इंटरनेशनल मॉनिटरी फाइनेंस जो हम कर रहे थे, जो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में किया था, वहाँ से थ्योरी का होता है एक क्वेश्चन, पीपीटी थ्योरी, परचेज पावर पैरिटी थ्योरी, ऐसे कुछ हैं, हमारे 3 टाइप की थ्योरीज हैं। तो वो कॉन्सेप्ट रहता है या एक दो और छोटे मोटे कॉन्सेप्ट रहते हैं वो हम कर लेंगे, राइट। सबसे पहले मैं आपको यही बता रही हूँ कि जो आपके 9 क्वेश्चन हैं अभी तक, अभी जितनी भी मैंने पीछे वीडियो डाली है बिजनेस फाइनेंस वाली यूनिट से, वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 18 मार्क्स आपके हाथ में, अगर वो आप कर लेते हो तो वहां से आपके पक्के, राइट। आज हम करेंगे एसेट सिक्योरिटाइजेशन। देखो, एसेट सिक्योरिटाइजेशन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से बहुत इजी क्वेश्चन आता है, राइट, क्योंकि जो एसेट सिक्योरिटाइजेशन है वो बहुत इजी है और इसमें से अगर क्वेश्चन आएगा तो इजी लेवल का आएगा। ये नहीं है सीएसीएस की तरह ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नहीं बिल्कुल नहीं है। आपको क्या करना है, बस हल्का सा इसको समझना है। देखो, एसेट सिक्योरिटाइजेशन का मीनिंग क्या है, एसेट सिक्योरिटाइजेशन मीनिंग आपको एसेट्स को सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करना, दैट मीन जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है एसेट सिक्योरिटाइजेशन के अंदर वो है कि जब हम इन लिक्विड एसेट्स को कन्वर्ट करते हैं, क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं लिक्विड एसेट्स में, तो उसको क्या बोलते हैं, एसेट सिक्योरिटाइजेशन बोलते हैं, राइट। तो ये जो प्रोसेस होती है कि लिक्विड एसेट्स को कन्वर्ट करना लिक्विड एसेट्स में, वो एसेट सिक्योरिटाइजेशन होती है। बट ये किस तरीके से काम करती है, क्यों हमें जरूरत पड़ती है लिक्विड एसेट्स को लिक्विड एसेट्स में कन्वर्ट करने की, तो एक स्टोरी से समझते हैं हम पूरी को। देखो, एक बैंक होता है, हमें पता है एक बैंक होता है, वो अपनी ट्रांजेक्शन करता है, राइट। तो बैंक से कई बार लोन ले लेते हैं, राइट। बैंक क्या करता है, बैंक एक लेंडर का काम कर रहा होता है और बहुत सारे बोरोवर्स बैंक से पैसा ले लेते हैं। अब उन्होंने पैसा ले रखा है, बदले में कुछ अपनी सिक्योरिटी रख रखी होगी ना, किसी ने अपनी लैंड रख रखी होगी, किसी ने कुछ और रख रखा होगा, तो रखते हैं पैसे। तो जब बैंक से बोरोवर ने पैसा ले रखा है और जब बैंक वेट करता रहता है और बैंक, मतलब बैंक ये एक्सपेक्ट करता है कि बोरोवर मुझे इंटरेस्ट देगा और साथ के साथ मुझे प्रिंसिपल अमाउंट भी देगा, लेकिन कई बार जो घोटाले होते हैं उसमें क्या होता है, वो नहीं देते हैं, तो बैंक की क्या हो जाती है, एनपी हो जाती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाती हैं, ठीक है। वो चीज़ हम पढ़ेंगे, कोर्स में हमारा है वो, जो ये जो है ना, और बैंकिंग में भी एनपीए क्या होती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अभी हम अपने इस एफएम के अकॉर्डिंग टू क्या पढ़ रहे हैं वो समझो, कि जो बैंक है उसकी एनपीए हो जाती है, तो उस एनपीए का वो क्या करता है, वो चाहता है ना, बैंक होगी या फिर कोई भी हमारी लीज फाइनेंसिंग वाली कंपनी होगी, जो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, ये होगी, कोई भी होगा, हर की सबकी कुछ ना कुछ एनपीए निकलती है। तो जो एनपीए निकलती है वो क्या सोचते हैं, कि एनपीए को हम, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनको हम कन्वर्ट कराएं, किसी ना किसी तरीके से कैश में कन्वर्ट कराएं और जितना उन्होंने हमसे ले रखा था लोन उसकी भरपाई हो जाए, एक तरीके से सोचते हैं। सेम वे में एसेट सिक्योरिटाइजेशन का एक चक्कर चलता है, वो कैसे चलता है वो हम समझते हैं। देखो, ध्यान से सुनो, एसेट सिक्योरिटाइजेशन का कैसे चक्कर चलता है। देखो, एसेट सिक्योरिटाइजेशन के अंदर एक ओरिजिनेटर होता है, जैसे ओरिजिनेटर यहां पर बैंक था, वैसे यहां पर ओरिजिनेटर होता है, डेटर्स ने पैसा ले रखा होता है ओरिजिनेटर से, ठीक है, क्या ले रखा होता है, लोन ले रखा होता है, और लोन के बदले में वो कुछ ना कुछ तो अपनी एसेट्स वगैरह देगा ना,
फ्री में तो कोई लोन देगा नहीं, राइट। तो उसने कुछ ना कुछ एसेट्स में दे रखी है और इसको पता है कि डेटर्स की लायबिलिटी है कि उनकी पेमेंट करनी, ठीक है। अब ये जो ओरिजिनेटर है इसको लग रहा है कि ये जो एसेट्स हैं इसके पास वो इलिक्विड एसेट्स हैं। इलिक्विड, इलिक्विड का मीनिंग समझते हो? इलिक्विड का मीनिंग होता है कि वो जो एसेट्स हैं वो कैश में कन्वर्ट अभी फिलहाल नहीं है, अभी तो वो एसेट्स की फॉर्म में, राइट। अब इस ओरिजिनेटर को पता है कि जो डेटर्स है वो तो पता है कब तेरे पैसे देगा। ओरिजिनेटर को लगा कि मान लीजिए ये 1 ईयर में देगा, तो इससे पहले अभी इसको फिलहाल जरूरत है उन एसेट्स को, मतलब उसको पैसे की जरूरत है, तो वो क्या करेगा? तो ये जो ऑर्जिनेटर है ये एक एसपीवी को अपॉइंट करता है। एसपीवी, एसपीवी यहां पर आता है स्पेशल पर्पस व्हीकल, स्पेशल पर्पस व्हीकल, ठीक है, स्पेशल पर्पस व्हीकल। ये स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या है? स्पेशल पर्पस व्हीकल एक तरीके से आपका क्या काम करने वाला है, जैसे मतलब एक बॉडी की तरह काम करेगा आपकी, ठीक है। तो वो क्या करेगा स्पेशल पर्पस व्हीकल? ओरिजिनेटर जो है वो इसको ये एसेट्स देगा, ये लिक्विड एसेट्स देगा। अब जो ये एसपीवी है स्पेशल पर्पस व्हीकल, ये इलिक्विड एसेट्स को कन्वर्ट करेगा सिक्योरिटीज में। कन्वर्ट किस में करेगा? सिक्योरिटीज में। और ये जो एसपीवी है कन्वर्ट करके सिक्योरिटीज में, जब ये सिक्योरिटीज में कन्वर्ट हो जाएंगी तो ये इन्वेस्टर को इनवाइट करेगा कि आप हमारे यहां पर इन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करिए। किनको इनवाइट करेगा? इन्वेस्टर्स को। अब देखो ये जो इन्वेस्टर्स हैं ये क्या करेंगे? सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, राइट। तो वो किस रेट पर करेंगे? कुछ ना कुछ इंटरेस्ट की रेट वगैरह लगती होगी, लगती होगी ना। तो जो ये रेट लगेगी ना वो होगी डिसाइड इसकी क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से। अगर एसपीवी की क्रेडिट रेटिंग हाई है, अगर एसपीवी की क्रेडिट रेटिंग हाई है तो एसपीवी को कम रेट पर पैसा मिल जाएगा, समझ रहे हो। और अगर क्रेडिट रेटिंग एसपीवी की कम है तो उसको ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर। देखो जो ये क्रेडिट रेटिंग होती है ना ये लाइक आपकी एक मतलब जन्म पत्री की तरह होती है कि इसके अंदर क्या होता है। क्रेडिट रेटिंग आपकी जो कंपनी है या कुछ भी जिसकी भी क्रेडिट रेटिंग, हम बैंक की बात कर रहे हैं, तो वो क्रेडिट रेटिंग से उसके अंदर का सब कुछ जान जाता है कि हाँ इसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ये किस तरीके से, क्या इसके एनपीएस ज्यादा तो नहीं है, जो भी कुछ है सब कुछ वो जान जाते हैं उन क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से। तो क्रेडिट रेटिंग जिसकी हाई होती है वो बेस्ट कंपनी मानी जाती है और उसको आसानी से लोन मिल जाता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर इन्वेस्टर अगर इस एसपीवी की क्रेडिट रेटिंग, अगर एसपीवी की जो क्रेडिट रेटिंग है वो हाई है तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो कम इंटरेस्ट पर भी पैसा दे देंगे, मतलब सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देंगे। अब इन्होंने कन्वर्ट किया सिक्योरिटीज को, इन्वेस्टर को इन्वाइट किया, इन्वेस्टर ने क्या करा सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अब इन्वेस्ट किया तो अब पैसे आए और वो किसके पास आए? एसपीवी के पास। अब एसपीवी ने वो पैसे किसको दे दिए? ओरिजिनेटर को दे दिए, ठीक है। कैश किसको दे दिया? ओरिजिनेटर को दे दिया। अब जब कभी इसका जो डेटर है वो इसको क्या देगा? एसेट्स देगा। अरे एसेट्स कहां पे? जो डेटर्स है वो पैसा वापिस देगा, वो वापिस पैसा दे रहा है। तो ओरिजिनेटर उस पैसे को एसपीवी को दे रहा है, एसपीवी इन्वेस्टर को दे रहा है, ठीक है। इन्वेस्टर वापिस में सिक्योरिटी दे रहे हैं, ये इसको सिक्योरिटी दे रहे हैं और ये जो एसेट्स है वो वापिस डेटर को वापिस दे देता है। तो ये जो प्रोसेस होती है इसी को बोलते हैं एसेट सिक्योरिटाइजेशन, समझ रहे हो। तो जो ओरिजिनेटर होता है वो ओनर माना जाता है एसेट्स का एक तरीके से। ये डेटर होगी रिसीवेबल आपकी, ठीक है, इनकी लायबिलिटी होती है। तो ये था हमारा एसेट सिक्योरिटाइजेशन। अब मेन बात यहां पर आती है जो इंपॉर्टेंट है इसमें, ये था एक नॉर्मली इसका कॉन्सेप्ट समझना था आपको, बाकी मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बट एक और है एसेट सिक्योरिटाइजेशन के अंदर, आपको एक सर्फेसी एक्ट याद रखना है। जो सर्फेसी एक्ट है 2002, उसके मतलब जो उसके फुल फॉर्म है वो मैं आपको लर्न कराऊंगी, क्योंकि वो यहाँ से 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है सर्फेसी एक्ट। सर्फेसी एक्ट की स्पेलिंग नहीं, फुल फॉर्म पक्की लर्न होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये पक्की हो गई तो क्या पता आपके 2 मार्क्स की स्पेलिंग आ जाए, स्पेलिंग बोल रही हूँ मैं, मीनिंग फुल फॉर्म आ जाए और फिर आपके पक्के हो जाए, राइट। तो सर्फेसी एक्ट के अंदर जो हमारी फुल फॉर्म है वो है द, एस मीन्स सिक्योरिटाइजेशन,
सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स. एफ ए मीन्स फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट और ऑर्डिनेंस एक्ट 2002. देखो एक बार क्वेश्चन आया हुआ था प्रीवियस ईयर में कि जो सरफेसी एक्ट के अंदर आर है, आर इसका मीनिंग क्या है. चार ऑप्शन गिवन थे तो इसका मीनिंग क्या आना था आपका, रिकंस्ट्रक्शन आना था. और एक बार सर्विसी एक्ट 2002 पूछा गया था, एक बार इसकी पूरी फुल फॉर्म पूछी गई थी. तो दो तीन बार क्वेश्चन आ रखा है इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है. आपको ये अच्छे से लर्न करनी है, कुछ भी नहीं है, ध्यान से सुनो. द एस का मतलब सिक्योरिटाइजेशन, चैप्टर का नाम क्या है सिक्योरिटाइजेशन, तो एस मीन सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन. आर पक्का याद हो गया क्योंकि प्रीवियस में पेपर है, पेपर में क्वेश्चन आ रखा है. आर मतलब रिकंस्ट्रक्शन, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एफ ए का तो मतलब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, कॉमर्स के स्टूडेंट हो गए, 11 से पढ़ते आ रहे हैं. एफ ए मीन्स फाइनेंशियल एसेट्स, एफ ए मीन्स फाइनेंशियल एसेट्स एंड ई मीनिंग एनफोर्समेंट, एनफोर्समेंट ऑफ क्या, सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ऑर्डिनेंस एक्ट 2002. तो सरफेसी एक्ट की फुल फॉर्म आपको याद होगी, द सिक्योरिटाइजेशन था, द सिक्योरिटीज एंड द सिक्योरिटाइजेशन, सिक्योरिटीज नहीं बोलो, द सिक्योरिटाइजेशन एंड उसके बाद क्या था सर, आर रिकंस्ट्रक्शन, द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, सरफेसी फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट, ऑर्डिनेंस एक्ट 2002. पक्का याद हो गया. तो ये था हमारे सरफेसी एक्ट 2002. इसके अंदर क्या होता था, सरफेसी एक्ट 2002 के अंदर इस एक्ट में भी यही दिया हुआ था कि ये जो एक्ट था ये आया किसके अंतर्गत था, कौन सी कमेटी इसको लेके आई थी, वो थी नर्सिमम कमेटी. नर्सिमम की स्पेलिंग देख लेना, नर्सिमम कमेटी इसको लेके आई थी, ठीक है. नर्सिमम कमेटी, एक कमेटी से क्वेश्चन आता है बैंकिंग के अंदर, याद रखा करो. तो नर्सिमम कमेटी सर्वेसी 2002 को लेके आई थी. क्यों लेके आई थी, ये इसीलिए लेके आई थी कि जो बैंक्स थे, बैंक के पास जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थी, जिनका उनको पता था कि इनका कुछ नहीं होने वाला, पैसा वापस नहीं आने वाला, तो उन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को किस तरीके से सिक्योरिटाइज करवाया जाए, किस तरीके से वो कन्वर्ट की जाए सिक्योरिटी में, ताकि उनसे कुछ हमें मिल सके पैसा कैश में, मतलब लिक्विड फॉर्म में कुछ उनसे रिसीव हो सके, इसलिए आ जाए सर्वेसी 2002, ठीक है. तो ये थी हमारी आज की जो स्टोरी लगा लो या जो भी थी, हमारा जो वीडियो था या जो लेक्चर था हमारा, ये हो गया कंप्लीट. अब हमारे छोटे छोटे दो टॉपिक रहते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे का पूरा कंप्लीट करा दूंगी. बिजनेस फाइनेंस आपका टिप्स पर हो जाएगा. जितनी भी वीडियो सारी प्लेलिस्ट में है, आपको सारी की सारी अच्छे से देखनी है. और तो क्या, और आप बता देना कमेंट करके कि आप नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा चाहते हो, फिर हम उसको भी इसी तरीके से टिप्स पर करेंगे एक एक करके, जितने भी जब तक हमारा एग्जाम आता तब तक हम ऐसे ऐसे करेंगे. और थैंक यू सो मच. और आगे वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को शेयर जरूर किया करो और सब्सक्राइब भी बोल दिया करो कि सब्सक्राइब कर दो, ठीक है. ओके, बाय बाय.